इस दुनिया का मतलब सिर्फ माइंड होता है, ऐसे ब्लाइंडली मानने वाले महान साइको एनालिस्ट हैं। इंसान को काबू करने वाला और जिंदा रखने वाला माइंड ही है, ऐसा मानने वाला महान मानसिक वैद्य है, नाम है सरकार। हर किस्म के मानसिक समस्या को सुलझाने वाले सरकार की जिंदगी के सामने आया हुआ एक संगठन एक सवाल के तौर पे खड़ा हो गया। जन्म लेना, मर जाना, इंसान का मन, आत्मा, प्रेतात्मा, क्या है सच? मनोजमम ओम क्लिं मारुति तुल्य वेगम स्वाहा। नहीं नहीं अंकल, मुझे छोड़ दो। नहीं अंकल, ह्रीं क्लिं, जाओ, चले जाओ। सकिनी ढकिनी स्वाहा। माँ मुझे डर लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सकिनी ढकिनी समस्त शक्ति ऐं ह्रीं क्लीं, भस्म हो जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ, चले चले जाओ, तुम जाओ, भस्म हो जाओ, जाओ, जाओ। क्या सरकार इतना लेट आए हो? अंदर वो चिंटू को मार देगा ऐसा लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। सूखो इसको, जाओ, जाओ, बच्चे को छोड़ कर जाओ। hey, ये सब क्या है? hey, कौन हो तुम? क्या है ये? बीच में इस तरह से पूजा नहीं रोकते, बच्चे को छोड़ दो। hey, आज छोड़, छोड़। सुनिए जी, उसे भूत ने पकड़ लिया है। बात मत करो। अरे रे, ये सब क्या है? ये क्या है? ये कौन है इस तरह शास्त्र के बीच में आ रहा है? सर बहुत दुख रहा है अंकल, सर बहुत भारी लग रहा है अंकल। सिर दर्द करता है तो ऐसे ही लगता है बेटा। तुम पर कोई नहीं बैठा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें किसी भूत ने नहीं पकड़ा। मैं आ गया हूं ना, वो सब झूठ बोल रहे हैं। जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें नींद आ जाएगी। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम सो कर उठ जाओगे ना तो हम कार्टून फिल्म देखने चलेंगे, ठीक है? अब अपनी आंख बंद करो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। देखो अरुणा, बच्ची को कुछ नहीं हुआ है, आराम से सो गई है। डिस्टर्ब क्या सोचकर तुम बच्चे को लेकर गए थे? तुम्हें क्या पता बच्चे को क्या हुआ है? शास्त्र, मुझे संसार के सारे शास्त्रों का ज्ञान है। इस बच्चे के ऊपर राहु की वक्र दृष्टि है, मैंने इसे महसूस किया है। तुम्हारी समझ में नहीं आती ये बात? देख नहीं सकते तुम? ये पूजा अगर नहीं हुई तो उस बच्चे का जिंदा रहना मुश्किल है, समझ रहे हो तुम? हाँ जी, जैसे भूत ने पकड़ लिया हो, कल से जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या अरुणा, तुम भी इस मंत्र तंत्र में तुम भी विश्वास करती हो क्या? हाँ। क्या भाई, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अपने वैद्य का ज्ञान बताने के लिए मेरे शास्त्र को नीचा दिखा रहे हो तुम? आखिर कौन हो तुम? मुझे मारा तुमने, इस पूरी शास्त्री को मारते हो, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे मार सकते हो, मेरे गुरुजी के शास्त्र को मार सकते हो क्या? शास्त्रों को नहीं मानते हो, अगर साबित कर दिया तो मानोगे क्या? सबूत ही चाहिए ना तुम्हें, वो भी मेरे गुरुजी दिखाएंगे। कौन है तुम्हारा गुरु? षण्मुख शास्त्री। आपको क्या चाहिए? मेरा नाम अजय सरकार है, साइको एनालिस्ट हूँ। मानसिक वैद्य हो मतलब, किस काम से आए हो? आप तो प्रमुख ज्योतिषी हैं ना, क्यों आया हूँ इतना तो पता ही होगा। शिवो,
पता लगाने के लिए आए हुए विद्यार्थी हो आप। आपका संदेह क्या है ये बताएंगे तो जवाब आपके आप मिल जाएंगे। जनता को आत्मा भूत प्रेत के नाम का प्रचार करके आप उनके दिल में डर क्यों बिठा रहे हैं? हम डर पैदा नहीं कर रहे हैं, हम उनको मिटा रहे हैं। हर तरीके की समस्या जो हमारे पास डर लेकर आते हैं उनको डर से मुक्त कर रहे हैं। हम एक निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर रहे हैं, यही हमारा काम है। ऐसा मत बोलिए, आपने भगवान को देखा है क्या? देखकर सहने की शक्ति जब मुझ में आ जाएगी तो जरूर देखूंगा। आप किसी भी चीज का सीधा समाधान नहीं बताते। मैंने सीधा समाधान ही दिया है, आपने ही दूसरी दृष्टि से सोच लिया। ओके, आपके हिसाब से अगर भगवान है तो फिर ये भूत प्रेत क्यों सताते हैं? ये सब बस भ्रम है, इल्यूजन्स, इंसान के लिए हानिकारक है। इसमें क्या लिखा है बता पाओगे? नहीं पता। ये प्रकृति है, इस भाषा को जो जानता है वही समझ पाएगा, जो नहीं जानता उसके लिए बस लकीरें हैं। उसी तरह आत्माएं हो या कुछ और हो, जिसे यह भाषा आती है उसे यह समझ में आएगा, उनसे ही बात करते हैं। उनके लिए वो सच है, बाकी लोगों के लिए झूठ है। जो एक आदमी को दिखता है वो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखता? ये सब आपका फैलाया हुआ भ्रम है। करेक्ट, भ्रम है। इसे टू अपीयरेंस, दूसरी भाषा में मन का भ्रम। इसका मतलब है ये सब हमारे मन का भ्रम है। जो है वो मौजूद नहीं और जो नहीं है वो मौजूद है। सृष्टि में इंसान को डुबाने वाली शक्ति और कोई है? ऐसा भ्रम पैदा करने वालों के खिलाफ ही मैं काम करता हूँ। तो फिर अपनी बीवी को तुम बचा क्यों नहीं पाए? नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बीवी के बारे में आपको? यही है शास्त्र। देखिए सरकार, जो पता नहीं है उसे पता करना समझदारी है, जो पता नहीं है वो नहीं है कहना ये मूर्खता है। शास्त्र के अनुसार कुछ साल पहले पैदा होने वालों को ये आत्मा दिखाई देते हैं, प्रमादी, विरोधी, विकृति, विकार, क्रोधी, रुद्रगारी, रक्ताशी। ये 7 महीनों को सप्तापोधु कहते हैं। 78 सालों में आने वाले इन महीनों को रक्ताशी प्रमुख है। उसमें से मकर राशि में पैदा होने वाले सिंह लगन वालों को ये अदृश्य शक्ति दिखाई देते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए 20 साल पहले के रक्ताशी के महीने में मकर राशि की कुंडली में सिंह के लगन में शनिवार अमावस्या सूर्य ग्रहण वाले दिन पैदा होने वाली एक लड़की की कुंडली तुम्हें देता हूं। उसका जन्म स्थान है मुक्तेश्वरम।
यहाँ पर क्या कर रही हो? प्रिया? स्वाति? माया, 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 रुको माया, अंजलि, स्वाति, प्रिया, अंजलि, 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 स्वाति, प्रिया, प्रिया, माया. वो चिल्लाई क्या? हाँ चिल्लाई थी. वो परेशान होकर हमारे पास दौड़ के आएगी. हमें जो कहानियाँ पता है वही कहानियाँ बताएगी वो. स्वाति, प्रिया, तुम लोग यहाँ पर हो? रात को ठीक 12 बजे घड़ियाल की घंटी बजेगी. आवाज सुनकर वहाँ गई तो मुझे वहाँ एक इंसान दिखाई दिया. करीब जाकर देखा तो वो एक भूत थी. हाँ यार, करेक्ट. लेकिन मुझे कौन दिखाई दिया है पता है? मैंने खुद को देखा भूत के रूप में. व्हाट? ओहो, बहुत बढ़िया है कहानी. ओके बाय. क्यों, क्या नया है? पगली, इसे कल तक तो कोई और ही भूत लग रहा था. आज कह रही है कि वो खुद ही भूत है. कल को ये हमें भी भूत बना के छोड़ेगी. हाँ पर मेरी बात तो सुनो. ए, बकवास बंद कर. हर चीज की एक लिमिट होती है. रात भर हॉरर मूवी देखना, हॉरर नॉवल पढ़ना और सुबह सुबह हमारा सर खाना, क्यों हम लोग की जान ले रही हो? ए, थ्रिल एंजॉय करना नहीं आता तुझे? रहने दो. अकेले रात को बाथरूम भी नहीं जा सकती हो तुम. ये थ्रिल है? चादर ओढ़कर सोती हो, डर से रात को नींद नहीं आती, ये कोई थ्रिल है? भला क्यों, तुम्हारे बिना मैं डर जाऊंगी क्या? नेवर. ये माया किसी से भी नहीं डरती. मैडम, मुझे अर्जेंटली गांव जाना है. मैडम क्यों, तुम गांव जाओगे तो यहाँ काम कौन करेगा? मेरी बीवी मरने के कगार पर है बेटी, नहीं जाऊंगा तो आखिरी बार उसके शक्ल नहीं देख पाऊंगा, ऐसी खबर आई है. बेचारा, जाने दो ना. ठीक है, जाओ. चलता हूँ मैडम. रुको रंगैया. ये पैसे रहे. थैंक्स बेटी. कल से मेरी जगह काम करने के लिए मैं अपने भांजे को भेज दूंगा. ठीक है, चलता हूँ बेटी. क्या हुआ, मूड ऑफ है क्या? कुछ नहीं यार, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है. क्या बात है, तुम्हारा बॉस जब फाइल देता है तो उंगली दबाना, प्रोजेक्ट के लिए लेसन समझाते वक्त पैर दबाना, क्या वो ये सब करता है क्या? हाँ यार, अगर मेरा प्रोजेक्ट वर्क फाइल लंदन भेजना है तो मुझे उस पर उसका साइन चाहिए, पर वो आदमी साइन ही नहीं कर रहा. वो अपनी जगह सही है, पर तुम प्रैक्टिकली नहीं सोच रही हो. क्या कह रही हो तुम? उसका साइन जब तुम्हारी लाइफ को बदल सकता है तो तुम्हारा भी सहयोग देना गलत है क्या? सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़नी पड़ेगी ना. ये कोई गलती नहीं है. तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं होगा, पर एथिक्स के बिना मैं नहीं जी सकती, बिल्कुल नहीं. ड्राइवर, कैब रोको. स्वाति, स्वाति, अरे रुको ना. ए, ए, स्वाति रुको. मैडम, मास्क मैडम, 10 रुपए का है मैडम, ले लीजिए मैडम, 10 रुपए का है मैडम, ले लीजिए, 10 रुपए का है, मास्क है मैडम, ले लीजिए मैडम. Muy
मुझे जो चाहिए था वो तुमने दिया, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने किया। टेक इट। थैंक यू सर। सर वैसे मैं कल भी फ्री हूँ। एक बार जिस चीज का मैं टेस्ट कर लेता हूँ, दोबारा उसे टेस्ट करने की मेरी आदत नहीं है। सॉरी बेबी। जाना है सर? सोनन नगर। बैठिए सर। ड्राइवर, लगता है कैब में कोई फाइल भूल गया है। किसकी है ये फाइल? आपसे पहले दो लड़कियों को ड्रॉप करके आया था, हो सकता है फाइल उनकी हो। टेंशन लेने से अच्छा बाहर फेंक दो। ए, ऐसे बात करते हैं क्या? ये फाइल उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है पता है? गाड़ी वापस घुमाओ, उसको देकर आते हैं। ठीक है सर। व्हाट? ऑफिस की फाइल घुमा दी? वो सर बात ये हो गई। चुप करो। जब तुम ऑफिस की फाइल नहीं संभाल सकती, तब लंदन जाकर प्रोजेक्ट फाइल कैसे करोगी तुम? और मैं तुम्हारे फाइल पर साइन करूं? शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारी फाइल तुम्हारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे ऑफिस की फाइल भी मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। जो काम ऑफिस में करना चाहिए था वो घर पर क्यों ले गई थी? किसने कहा था ले जाने के लिए? सिक्योरिटी सर। सुन ले, मेरे परमिशन के बगैर इस ऑफिस से एक भी कागज बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों रे, आदमी और औरत में दो भाव करता है तू? लड़की बाज कहीं का, दफा हो जा। देखो, तुमने ऑफिस की इंपॉर्टेंट फाइल गुमा दी है। अगर ये बात मैंने मैडम को बता दिया ना, तो तुम्हारी फाइल तो मेरे पास पास हो जाएगी, लेकिन वहां जाकर रुक जाएगी। इसीलिए अगर ह्यूमन रिलेशन को तुम ठीक से मेंटेन करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर जॉब करना काफी नहीं है, सॉफ्ट काम कैसे करवाना है ये भी सीख लो। माइंड इट। वो लड़की यहीं उतरी थी सर। माया, आपकी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। आज अगर ये फाइल नहीं मिलती तो मेरी जॉब चली जाती। फाइल देकर आपने मेरा जॉब बचा दिया। थैंक यू सर। इट्स ओके। हेलो, क्या हुआ? फिल्म देखने नहीं आ रही है? सॉरी यार, मुझे रात में काम है। तुम चली जाओ। काम बाद में करना। मैंने बोला ना नहीं आऊंगी, तू चली जा। बात वो नहीं है, प्लीज। बाय बाय बाय। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कहाँ हो तुम? जनरेटर ऑन करो। सिक्योरिटी कहाँ चला गया? छी, समय पर नहीं।
जल्दी चालू हो जा। यार सिक्योरिटी कहाँ चले गए थे? जनरेटर ऑन क्यों नहीं कर रहे? जाओ जल्दी जाके ऑन करो। तुमसे ही कह रही हूँ मैं, जल्दी ऑन करो, बहुत काम है। जाने के लिए कह रही हूँ, जाते क्यों नहीं? तुमको ही बोल रही हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? ए कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? ऐसे में धीरे से चल रही थी तो मैंने अपने सर पर दो पैर महसूस किए। पीछे देखा तो फैन पर एक लाश लटक रही थी और इतने में अचानक से मेरे कंधे पर भूत का हाथ आया और मैं बेहोश हो गई। भूत का हाथ नहीं है, मेरा हाथ है। आहा, ओहो, हॉरर मूवी को कितना बिल्डअप देके सुना रही हो। हॉलीवुड जाओगी तो डॉलर्स में कमाओगी। इतने दिनों से भूत सिर्फ सपने में दिखाई देता था, पर अब मैंने असलियत में देखा। नो डाउट भूत ही था वो। किस जमाने में जी रही हो तुम? भूत प्रेत नहीं होते। नहीं है क्या? क्यों नहीं होता मैडम, सामने है ना ये तीन भूत। ए कौन है बेतू? डायरेक्टली अंदर घुस के क्या बकवास कर रहा है? पागल है शायद, मुझे डर लग रहा है। ए लड़की, मैं पागल वागल नहीं हूँ। हमारे नए वॉचमैन तुम ही हो? हाँ 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 मैडम। नाम क्या है तुम्हारा? सीनो, धारावी का सीनो, रंगाई का भांजा हो। ओए, वॉचमैन है तो वॉचमैन बन के रहे, सुपरमैन की तरह पोज मत मार। अरे बाप रे, फेस पैक में तो भूत नहीं लग रहे थे, फेस वॉश के बाद परी लग रहा। ओए, अपने आप में क्या खुसुर पुसुर कर रहा है? मैं? हाँ तुम क्या बात कर रहे हो बताओ, चलो बताओ। कुछ नहीं। ए इज्जत से बता क्या बकवास कर रहा था तू। ए ऐसे कैसे बात कर रही हो उससे? नहीं यार, ये कुछ तो गलत बोल रहा था, चलो बोलो। तो सच में बोल दूँ? बोलना ही होगा। सच में बोल दूँ? हाँ सच में बोल। बताओ। वो कुछ नहीं है, चेहरे पे फेस पैक लगा के सब लोग भूत नहीं लग रहे थे, फेस वॉश के बाद परी लग रहे हो सब लोग। देखो क्या ए, बोल रहा है। क्या, बोल? क्या यार तुम भी, तुमने उससे पूछा, उसने अपने दिल की बात बता दी, तो क्या गलत है? सुपर मैडम, खतरनाक बात की। हाँ ये क्या बात हुई, हमें छोड़कर उसको सपोर्ट कर रही है? हीरो की तरह पोज देना बंद कर, जाकर सब्जी लेकर आ। क्या कहा? सब्जी? और मैं? लगता है आपको मेरे रेंज के बारे में पता नहीं है। तुम्हारे कपड़े धोने, बर्तन घसने, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। रुकने के लिए कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। शीने रुको, उसकी बात का बुरा मत मानो, तुम अपना काम देखो। ए, तू क्या उसको रोक रही है? एड़ा जाता है तो जाने दे। काट डालूंगा। क्या यार, ये वॉचमैन जैसा नहीं लग रहा है, हमारा पति लग रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे रुकवाएं, एक ना एक दिन ये काम खराब करके भाग जाएगा। एक दिन भी इसे रुकने की परमिशन नहीं है। कुछ भी, चुप करो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मन में कुछ भी छुपाने वालों में से नहीं है। ऐसे आदमी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और फायदा पता है कि रोड पे कोई भी आदमी हम में से किसी को भी बुरी नजर से कभी नहीं देखेगा। ये अच्छा आदमी है, इससे बेवजह बहस करोगी तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन पूछिए। 22 मार्च 1982 को पैदा होने वालों की डिटेल्स चाहिए। ये तो बहुत पुराना इन्फॉर्मेशन है, मिलना बहुत मुश्किल है। वो सारा रिकॉर्ड किसी रद्दी के ढेर में सड़ के फट गए होंगे, पता नहीं अब किस कचरे के ढेर में होगा। एक बार देखिए तो। एक बार बोला ना नहीं मिलेगा। अब मिलेंगे डिटेल्स। इतने में इतना बड़ा काम कैसे होगा, समझने की कोशिश करो। आप कोशिश तो करके देखिए। अरे हाँ मिल जाएगा ना, मैंने कब कहा कि नहीं मिलेगा, सड़ गया होगा, फट गया होगा, फिर भी मिल जाएगा। कहीं भी हो उसे मैं निकाल लाऊंगा, मुझे मिल गया तो आपको भी मिल जाएगा। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन तो जरूर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कितना टाइम? 2 दिन में दे दूंगा, गवर्नमेंट का काम है ना, जल्दबाजी नहीं कर सकते। ओके कैरी ऑन। क्या पढ़ रहे हो सीनू? वो डिग्री एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तुम डिग्री की पढ़ाई कर रहे हो क्या? हाँ मैडम, सुबह पढ़ाई, नाइट में ड्यूटी। गुड, आपके फादर क्या करते हैं? एयरफोर्स। एयरफोर्स? हाँ मतलब
एयरफोर्स मतलब हवा जिस जहाँ जाती है वो वहाँ घूम जाते हैं। सच कह रहे हो? हाँ सच में मैडम, ऐसे हवा में उड़ते उड़ते मेरी माँ से शादी कर ली, मैं पैदा हो गया। हवा में उड़ते उड़ते मेरे पिता हवा में मिल गए, उसी सदमे में मेरी माँ पानी में बह गई। दोनों ने मिलके मुझे अकेला कर दिया, तब से मेरे मामा मुझे पाल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। इस कहानी में और एक ट्विस्ट है मैडम। ट्विस्ट? वो क्या है? गौतम बुद्ध को बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला और मुझे ताड़ी के नीचे। ताड़ी का पेड़? हाँ मैडम, कोई भी पेड़ पालने से बड़ा होता है, लेकिन ताड़ी का पेड़ खुद का ख्याल रखता है और बड़ा हो जाता है। एक पेड़ होकर वो खुद बड़ा हो सकता है, तो इंसान होकर मैं क्यों नहीं बड़ा हो सकता, ऐसा सोचकर मैं भी अपने आप बढ़ रहा हूँ। खुशी और गम को एक साथ में बैलेंस कर रहे हो, ग्रेट सीनू, आई लाइक यू। सीनू शाबाश बेटा, शाबाश। कब कौन सी पार्टी वाले आएंगे ये भी पता नहीं होता है, रोज फोटो बदल कर मर रहा हूँ मैं, तुझे क्या पता मेरा दुख। बोलिए सर, आपके लिए कौन सा रिश्ता चाहिए, कैसा रिश्ता चाहिए, कितने में चाहिए? मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। हा? क्या चाहिए बताइए। 1982 में मार्च 22 तारीख को मकर राशि में पैदा हुए किसी लड़के या लड़की की कोई कुंडली है? अभी देखकर बताता हूँ सर। सॉरी सर, आपने जैसा कुंडली बताया हमें मिला नहीं सर। अगर ऐसी कोई कुंडली आपके पास आए तो क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन देंगे? जरूर दूंगा सर। थैंक यू, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, प्लीज कॉल मी। हाँ भाई, क्या देख रहे हो, ये सब उठाओ। भाई, कटना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना तेरा काम है, और गला काटना मेरा काम है। ठीक है, तुम्हारा कभी गलती नहीं होगी। गधा कहीं का, अभी भी सामने बैठा हुआ है, चल भाग यहाँ से। ठीक है। क्यों बे, लड़की मिली क्या? नहीं मिली भाई, गली गली में ढूंढ लिया हमने, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। भाई कॉफी। भाई, चली ना भाई। मेरी भी चल रही है, 4 रुपये के कॉफी से इतना जल रहा है, तो 40 करोड़ की जायदाद के लिए मेरी कितनी चल रही होगी। गलती हो तो भाई, तुमने जो खाया उसका बिल, तू जिस होटल में रहा है वहाँ का बिल कौन भरेगा? जायदाद तेरे बाप का समझ रखा है क्या? नहीं भाई, ये जायदाद इसके बाप का है। बाप रे, इसके बाप का है? ये क्या भाई, आपने फिर से पंचायती कर दी। वो खाते हैं पीते हैं और ढूंढते हैं, लड़की मिलती नहीं है, इसकी जरूरत ही क्या है? उसके माँ बाप को मार दिया, बहन जीजा को उठा लिया, और जो डर कर भाग गई है उससे हमारा क्या काम, कहने दीजिए ना पापा। ए, तुम्हारे कितने सर हैं? एक ही है। तेरा? एक ही है। 10 सिर वाला रावण भी सीता का कुछ नहीं कर पाया। औरत को कभी कम मत समझो, अगर कल माया ने किसी से शादी कर ली तो वो इस 40 करोड़ जायदाद का हीरो बनेगा और वो हीरोइन बन जाएगी। ओह, तो ऐसी कहानी है क्या पापा, तो फिर मैं भी हीरो बनूंगा, वो जहां भी होगी उसका पीछा करूंगा, मान गई तो प्यार करूंगा, नहीं तो उसका रेप करूंगा, विलन हो या हीरो हो मैं ही बनूंगा। जूस? तुम जूस लेके आए? अरे जैसे कि मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा क्यों फील करते हो मैडम? मैडम जूस लीजिए। वैसे स्वाति, ये काम वॉचमैन का नहीं है। अरे बाप रे, सच कहा यार। क्या मैडम, अब भी
जूस। ओहो, अब हमारी अच्छाई जानने के बाद लगता है तुम बदल गए। हाँ मैडम, इसका इरादा कुछ और ही है। इसके इरादे पे देख मैं कैसे पानी फेरती हूँ। वैसे तुम्हें हमसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप में से कोई एक अगर मुझे श्योरिटी दे तो। श्योरिटी किस लिए? मतलब अगर आपसे कोई श्योरिटी देगा तो बाइक खरीद लेता। मतलब अगर हमने श्योरिटी दे दिया तो तुम बाइक खरीद लोगे? इतना ही मैडम, इतना ही बस। गुड, तुम हमें पसंद आए हो। थैंक यू मैडम। वैसे अभी तुम्हें कोई काम है क्या? अरे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आप जो बोलोगी वही होगा। हाँ बोलिए मैडम, आप जो भी काम बोलोगी मैं फट से कर दूंगा। पैर में बहुत दर्द हो रहा है आज, दबा दोगे क्या? हाँ दबा दूंगा मैडम, पैर ही दबाना है ना, कहाँ दर्द हो रहा है। आपकी सेवा करने में तो मेरी खुश नसीबी होगी मैडम। यहाँ पर छोड़, ये क्या किया तूने? बहुत दर्द हो रहा है सीनू, छोड़ छोड़। चल देती तो। वैसे भी मुझ जैसे सच बोलने वालों को आप श्योरिटी क्या दोगे? झूठी तसल्ली देने वालों पे अब मैं लेके जाके हजार उड़ाते। ओ झूठ मुठ के खूबसूरत बोलने वाले पे उनका फोन बिल भर देते। ऊपर से नीचे तक देख के झूठी तारीफ करने वालों को तुम लोग कुछ भी खरीद के दे देते हो। क्यों बे, बहुत ज्यादा बोल रहा है, 10 दिन में चला जाएगा, तेरे लिए क्यों साइन करूं? ए तुम क्या खाक मुझे श्योरिटी दोगी? धारावी का सीनू हूँ, किसी भी तरह गाड़ी खरीद लूंगा। सीनू देख इट इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना तुझे सूट करता है, चाहे कितना भी वेश बदल लो तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बदलेगा। तुम्हें दस्तक चाहिए ना? मैडम मैं कर दूंगी। थैंक यू मैडम। देखा तुम लोग किसी काम के नहीं हो। छोटा सा काम है मैम, अभी आया। क्यों श्योरिटी दे रही हो? कल पता नहीं और क्या क्या दोगी। ए भाई, वो एक्ट्रेस की फोटो लाने को कहा था, उस फोटो का क्या हुआ? क्या है जीजू, अजनबी की तरह क्यों बोल रहे हैं? सिल्क स्मिता पहले ही बेचारी मर गई। हाँ। शकीला ने शूटिंग करना बंद कर दिया। हाँ। अब और कौन है बताओ, एक भी फेस ढंग का नहीं बचा। देखो टाइम आने पर हमारी कार के आगे आ जाएगी, तुम बैठो चलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमें वैसे भी लेट हो रहा है। चलो। ए रुको, ए बहन, तुम्हें मरने के लिए हमारी ही कार मिली थी क्या? सुनिए जीजा जी, ये लड़की हमारे कार के नीचे आके हमें जेल भेज देगी ऐसा लग रहा है। सुपर है, आंखें बड़ी बड़ी है। ए एक्सक्यूज मी, बढ़िया है जीजू, फ्लैश है या क्लिक है? इतने गोरे रंग का फ्लैश है ना, हमारे लिए कैश बन जाएगा। वो सब ठीक है जीजू, ये कैमरा फ्लैश है, उसकी दोनों आंखें फ्लैश है, दोनों क्लैश हो गया तो। नेगेटिव नहीं है भाई, पॉजिटिव फेस। जीजू प्रिंटिंग करवा देंगे? प्रिंटिंग नहीं, फोटोग्राफी करनी होगी। तो फिर जीजू समझो कि आपको मॉडल मिल गई। हाँ भाई चलो गाड़ी में बैठो। चलो। हेलो, मैं हूँ सर, फूलराज बात कर रहा हूँ, जैन हॉस्पिटल का अटेंडेंट हूँ सर। बोलो, एड्रेस मिला क्या? आपने जो दिन बताया ना, उस दिन लड़की पैदा हुई थी। हाँ सच में सर। तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए 20 साल पहले के रक्ताशी के महीने में मकर राशि की कुंडली में सिंह के लगन में शनिवार अमावस्या सूर्य ग्रहण वाले दिन पैदा होने वाली एक लड़की की कुंडली तुम्हें देता हूँ। वो लड़की कहाँ रहती है? सुब्बा राव 2-238 रामालय विधि मुक्ता नगर है सर। अभी वो वही रहती है? वो सुब्बा राव का घर है, बच्चे के पिता वेंकट राय जी के फ्रेंड हैं। आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको बाकी की जानकारी मिल जाएगी सर। ओके।
है कि नहीं पूछने के लिए फोन किया था। मैं रख लूंगी। ठीक है जी, बताइए आपको किससे मिलना है? मुझे वेंकट राव जी की फैमिली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनकी फैमिली के बारे में? आप पुलिस है क्या? मैं कौन हूँ ये बाद में बताऊंगा, पहले उस फैमिली और उस लड़की के बारे में बताइए। जो मर चुके हैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं? मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है सर। उस परिवार में बस एक ही लड़की बची है। अभी वो लड़की कहाँ है? क्या पता कहाँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। थैंक यू। वैसे उनकी फैमिली की कोई फोटो आपके पास है? हैं सर, पर बहुत पुराने हैं, लेकिन ठीक है मैं मंगवा लेता हूँ। बेटी अंजलि, हाँ? वो हमारी फैमिली एल्बम है ना, उसे लेकर आओ तो जरा। ठीक है डैडी। वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम सरकार है, साइको एनालिस्ट हूँ, एक सच की खोज कर रहा हूँ। थैंक यू। माया मैडम नमस्ते, मेरा मतलब आपको मेरा नमस्कार। इस शहर में मेरा बहुत बड़ा म्यूजिक एल्बम बनाने का बिजनेस है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? आपके पास बहुत सुंदर स्टनिंग ब्यूटी है और बहुत अच्छा हंटिंग लुक्स है, और अगर मैं कहूँ तो आपकी सही एज है। व्हाट? शौक नहीं मैडम, मुझे भी कोट पहनकर फोटो खिंचाने का शौक था, लेकिन अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने छोड़ दिया। तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है, तुम कुछ भी पहनोगी तो अच्छा लगेगा, क्यों भाई? हाँ अच्छा लगेगा। वैसे तुम्हें क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हो तुम? वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए कंपनी चेंज करने की जरूरत नहीं, जिंदगी में सेटल होने के लिए फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कहूँगा अगर आप ऐसा करोगी तो एक महीने की तनख्वाह आप एक ही दिन में कमा सकती हो। वैसे मुझे करना क्या होगा? ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, अपनी सुंदरता को खुशी से दिखाओगी तो काफी है। क्या बोला, एक्सपोजिंग? रैंप की तरह मैडम, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। कल मॉडर्न स्टूडियो आकर कैमरे के सामने खड़ी होकर ये देखो, ऐसे चार पोज दोगी तो काफी है। हाँ? तेरे में इतना घमंड, मेरी जीजा को मारा तूने? क्या बे, ज्यादा उछल रहा है, ओवर एक्शन किया ना टांगे तोड़ दूंगा, समझा? भाई ऐसे क्यों चल रहा है, मैडम ने जो किया वो सही किया। मैडम आप गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। मुझे कुछ ज्यादा की उम्मीद है, जो काम नहीं होने वाला है और ये मुझे पता है, फिर भी वो पूरा होने तक वेट करना मेरा स्टाइल है, वेट करूंगा। भाई चलो। ये कौन है मैडम जो ऐसे बात करके गया? Ah!
मैडम क्या हुआ? मैडम कुछ तो बोलिए मैडम, उठिए मैडम। हमेशा चिल्लाती रहती है। तुम्हें अकल है क्या? हा? क्या हुआ? आज पिंकी का बर्थडे है, भूल गई क्या? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? चलो जल्दी। जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी कहाँ है? पिंकी बोलिए ना, कहाँ है पिंकी? पिंकी 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 क्यों पिंकी पिंकी चिल्लाओगी तो आ जाएगी क्या? शायद ऊपर होगी। ऊपर है क्या? पिंकी पिंकी मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है? माया की परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं है दीदी, अभी भी उसको आत्माएं दिखनी बंद नहीं हुई हैं, इसीलिए पिंकी के मरने की बात अब तक हमने उसे नहीं बताई है। हमारे इतना कहने के बाद भी वो यहाँ पर जबरदस्ती आ गई। आज किसी भी तरह एक दिन मैनेज कर लो दीदी, प्लीज दीदी। खेले क्या आंटी? ओके। ये वाली इसको मारो। ये क्या पिंकी, ऐसे क्यों मार रही हो? ये कैसी आवाज है? क्या पता, चलो चल के देखते हैं। हाँ आंटी, ऐसे कैसे खेल रही हो? देखा ना कॉइन कैसे मारा मैंने। ए, तुम्हें ब्लैक मारना है, व्हाइट क्यों मार रही हो तुम? यहाँ पे मारो, यहाँ से मारो। मारना चाहिए, यहाँ से मारो तुम। अरे यहाँ से मारो ना। ये क्या पिंकी, ब्लैक के बजाय व्हाइट मार रही हो तुम। यहाँ से इस तरह स्ट्रेट मारो। समझ गई ना? माया किसके साथ खेल रही है? और किसके साथ? पिंकी के साथ। पिंकी ए, अभी स्ट्राइकिंग मेरा है। अंजलि, पिंकी बोर हो रही थी इसीलिए खेल रहे हैं। कितना अच्छा खेल रही है पता है? पिंकी कहाँ है? ये देखो मेरे सामने। हाँ? पिंकी, पिंकी कहाँ पे है? वो तो मर गई है ना? पिंकी, 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 पिंकी!
तुमने सही कहा, तुम्हें आत्माएं दिखाई देती हैं। जीवन और मौत के बीच में होती है आत्मा, खुश और नाखुश के बीच में होता है प्रेत आत्मा, पूरे जन्म का ज्ञान भुला देने वाला होता है माया। इस माया और प्रेत आत्मा का संघर्ष सत्य है। तुम ऐसे समय में पैदा हुई हो, तुम में आत्माओं को देखने की शक्ति है। जैसे तुम मंदिर की दहलीज पार करोगी, तुम्हारी समस्याओं का फल तुम्हें मिल जाएगा। शुभम बोया। हेलो सरकार, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? उस राशि की लड़की मिल चुकी है। कौन? माया? हाँ वही, जिसे हम पूरे शहर में ढूंढ रहे थे, वो मेरे रिश्तेदार की कंपनी में काम करती है। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। अरे बाप रे, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तू फिर से यहाँ टपक गया है, इस चीज का टेंशन? प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। माया, अगर शादी करोगी तो मुझसे ही करना, मुझे ही अपना हीरो बनाना। अरे बाप रे, लगता है ये मुझे अपना हीरो नहीं बनाएगी, मुझे विलन ही बनना पड़ेगा। लेकर आओ उसे। माया, ये मैटर भाई को बताना पड़ेगा। आपको किसे मिलना है? करूंगा बोला था, रेप करूंगा बोला था, मार डालूंगा बोला था, मुझे लगा कर दोगे, थू पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। कौन है रे वो भाई? वहां पे उस लड़की के साथ एक राक्षस जैसा था। क्यों बे, मैं राक्षस नहीं दिखता क्या? मेरे अंदर के राक्षस को वो देखना चाहता है, मैं दिखा दूंगा। वो कोई और नहीं, मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पापा और मामा बचपन से जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मेरी फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसके खिलाफ उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की? जो करना था वो सब मैंने किया, मुझसे नहीं हुआ। मेरे अपनों की हत्या कर दी, उसके बाद भी मैं उस जायदाद को टुकरा कर चली आई, पर वो राक्षस, कहीं वो खानदानी जायदाद मुझे न मिल जाए, इसीलिए वो मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए उनसे दूर लंदन जाने की सोच रही हूँ। डोंट वरी माया, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। बाय द वे, आई एम आई ए सरकार, साइको एनालिस्ट।
सन्मुख शास्त्री जी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके खुशी से अगर लंदन जाना चाहती हो, पहले अपने माइंड की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें बाहर निकालनी होंगी। असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो तीन आत्माएं हैं जो मुझे दिखाई देती हैं और डराती हैं। ये तुम्हारा भ्रम है, इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। भ्रम नहीं है सर, मैं सच बोल रही हूँ। हर दिन आत्माएं मेरे आस पास घूमती रहती हैं, मुझे दिखाई देती हैं और गायब हो जाती हैं। इसे ही साइको न्यूरोसिस कहते हैं। जो चीज नहीं है वो दिखाई देती है और जो है वो दिखाई नहीं देती। आप क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ जो हो रहा है वो सच है। वो मेरे साथ क्या करेंगे ये सोच सोच कर मैं पागल हो जाती हूँ। पागल की तरह बात मत करो, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। आत्माओं को दिखना सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन सम्मुख शास्त्री जी ने बताया था जिनकी कुंडली मेरी तरह है उन्हीं को दिखाई देती है। अगर आत्माएं दिखती हैं तो मुझे भी देखनी है। मैं आपको आत्माएं दिखा सकती हूँ, उसके बाद मेरे साथ क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो तुम कल ही मुझे आत्माएं दिखाओगी। माया, बहुत सी चीजें हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचती। जो चीज रोशनी में है सिर्फ उसे ही हम देख सकते हैं, पर इस दुनिया में बहुत अंधेरा है। रोशनी पड़ने पर हमें पता चलता है कि वहां क्या है, इसलिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक कैमरा है, अगर आत्माएं हमारे पास आएंगी तो वो वेव ग्राफ है उस पर रिकॉर्ड हो जाएगा। उस ग्राफ में उनका साउंड भी रिकॉर्ड होगा। उसी तरह उससे संबंधित कुछ चीजों को ये कैमरा अच्छी तरह स्कैन करेगा। तुम्हें क्या करना है वो मैं अपने चेंबर से बताऊंगा, तुम्हें बस फॉलो करना। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डोंट वरी माया, तुम्हारे डर को खत्म करना ही मेरी कोशिश है। ओके, कैरी ऑन। माया, आंखें बंद करो, रिलैक्स, मेरी आवाज पर कॉन्सेंट्रेट करो। यू आर रिलैक्सिंग, ओके? ओके सर। अगर तुम्हें कुछ दिखाई या सुनाई दे तो सिर्फ बात करने की कोशिश करना। ठीक है सर। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कूल। माया, कॉन्सेंट्रेट, कूल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। माया, कूल, कूल। सर, नहीं सर, मुझे नहीं हो पाएगा सर, सर। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ सर, बिल्कुल नहीं सर, सर। माया, रिलैक्स। पूछो, उससे बात करो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम हिम्मत से पूछो, कौन है पूछो, क्या चाहिए पूछो, पूछो माया, ट्राई, पूछो, कम ऑन, पूछो। नहीं सर। फिक्र मत करो, पूछो, मेरे ट्रेंस में आओ, मेरे ट्रेंस में आओ। कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो तुम,
तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? आत्मा ने पेपर में मैसेज भेजा है, कम से कम आप तो विश्वास करेंगे ना आप? ये क्या फोटो आती है? ये लीजिए सर। असल में क्या हुआ था? तुम्हें पता है ना, शैलजा कितनी अच्छी थी, कितनी समझदार थी। हॉस्टल में मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ रही थी। एमएलए चंद्रशेखर के बेटे राकेश ने उसका रेप करके उसे मार दिया। कंप्लेंट नहीं की क्या? बहुत कंप्लेंट किया, बहुत लोगों से हमने न्याय मांगा, पुलिस स्टेशन के चक्कर काट काट कर थक गई। आखिर में अन्याय की ही जीत हुई, न्याय मेरी बेटी के साथ ही मर गया। उसके बाद क्या करना है समझ में नहीं आया, कुछ करने के लिए किसी का सपोर्ट भी नहीं था, मदद करने के लिए कोई नहीं था। सब लोगों ने मेरी बच्ची को ताना देना शुरू कर दिया था। बेचारी शर्म से मर गई। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मर मर कर जी रही हूं बेटी। देखिए माँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ रहेंगे। हाई कोर्ट, जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। उस रास्कल को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नहीं बेटे, अब मुझसे और नहीं होगा। इतने सालों से मुझे अपनी बेटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब तो वो मर चुकी है, उसकी यादें ही मेरे पास है। मेरे लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एमएलए के बेटे राकेश ने ऐसा किया है ये पता होते हुए भी? अगर पुलिस साथ नहीं देगी तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी सर? मरने वाली शैलू को और मारने वाले राकेश के अलावा इस मर्डर के बारे में किसी को नहीं पता। राकेश के बारे में शैलू ने हमें संदेश दिया, इसलिए राकेश को किसी तरह ट्रैप करके उससे सच उगलवा कर उसे सजा दिला सकते हैं। ट्रैप करना होगा क्या? कैसे? राकेश ने शैलू की हत्या की है ये देखकर उसका सैडिज्म हमें समझ में आता है। उसे खूबसूरत लड़कियां या ऐसी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना पसंद होगा, तो उसकी इस कमजोरी का हमें फायदा उठाना है, और ये तुम्हें करना होगा। मैं? यस, तुम ही। शायद शैलू तुम्हारे जरिए ही सच बाहर निकालना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हें दिखाई दे रही है। क्या बात है मैडम, इतनी रात गए अकेले बैठे क्या सोच रही हो? क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? मेरी फ्रेंड को एक आदमी ने रेप करके मार डाला, पर पुलिस ने उसको बचा लिया। इन सब की तादाद बढ़ रही है, एक एक को जब तक रास्ते में खड़ा करके शूट नहीं करेंगे ना,
तब तक ये दरिंदे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। वो आखिर है कौन मैडम? एमएलए चंद्रशेखर का बेटा राकेश। वो क्या, तुम उसे जानते हो? अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक नंबर का आवारा लड़का है, मेरा भाई का दोस्त है, मैं भी जानता हूँ उसे। तो फिर क्या तुम एक बार मुझे उस राकेश से मिलवाओगे? क्या बात कर रही हो मैडम, एक मासूम की हत्या करने वालों को पकड़ने के लिए आप जो बोलोगी मैं करूँगा, बोलिए क्या करना है। Vehicle problem. If you don't mind, lift please. Come on, get in. Thank you. Maya. Nice, Rakesh. कौन सा कॉलेज? जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। Good. Qualification? B.Tech Computers. मेरे पापा यहाँ के एमएलए हैं, उनके रिकमेंडेशन पर तुम्हें ये जॉब आराम से मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कैन यू गिव मी अ डेट? कब? अच्छे काम के लिए लेट करना मेरी बिल्कुल आदत नहीं है, तो बताओ कहाँ चले? तुम्हारी मर्जी। पहली मुलाकात में मेरे बिस्तर तक पहुंचने वाली पहली लड़की हो तुम। ये मेरा लकी गेस्ट हाउस है, मैंने कई सारी लड़कियों के साथ यहीं पर एंजॉय किया है, तुम्हारा आज मुझसे मिलना बहुत ही लकी है, तुम बहुत ही लकी हो। ए, तुम तो बहुत ही फास्ट हो। ओहो, विदेशी स्टाइल में, बढ़िया। पीट क्यों रही हो? पागल हो गई हो क्या? ऐसे पिटते हुए एंजॉय करने में मजा नहीं आ रहा है तुम्हें? ऐसे कर रही हो जैसे तुमने ऐसा कभी किया ही नहीं। शैलू के साथ एंजॉय किया था, वो भूल गए क्या? शैलू के साथ? मेरे साथ कुछ मत करो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ राकेश। ए, अभी हम भी विदेशी स्टाइल में एंजॉय करेंगे। लेट्स वी एंजॉय। तुमने जो शैलू के साथ किया वो याद आया तुम्हें? नहीं राकेश, मुझे कुछ मत करो राकेश, प्लीज प्लीज राकेश, मेरे साथ कुछ मत करो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ राकेश। थोड़ा सा क्लोज करूँगा। तेरी तो। शैलू को किस तरह मार डाला था याद आया तुम्हें? नहीं राकेश, नहीं नहीं राकेश, प्लीज राकेश मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे जाने दो, नहीं नहीं राकेश प्लीज, नहीं राकेश नहीं, नहीं राकेश नहीं प्लीज मुझे जाने दो, नहीं राकेश नहीं राकेश नहीं राकेश नहीं नहीं राकेश। अगर मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा तो फिर तू कल दुनिया को जाकर के बताएगी, फिर कानून मुझे मार डालेगा। कौन हो, कौन हो तुम? शैलू की बहन हो क्या? बोलो कौन हो तुम, अरे बोलो ना।
मैं हूँ बे शैलू। ए, तुझे मेरे बारे में पता नहीं है क्या? मैं मार डालूंगा तुझे, मैं जान से मार डालूंगा तुझे। मुझे छोड़ दे, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, चली जा। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली, जाएगा तू। अरे इससे बात क्यों कर रही हो मैडम? तुझे भी मार डालूंगा, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे डैडी तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी भी बोलता हूँ चले जाओ यहाँ से। क्या वे? क्या मारेगा तू, किसको मारेगा? हाँ क्या क्या? सिनु पकड़ो उसे, छोड़ना मत। सिनु पकड़ो। मैडम क्या हुआ, चले क्या? बाप रे, मैंने कुछ और ही सोचा था। आपको सिर्फ डरना नहीं, अच्छे से डराना भी आता है। तुम मेरे साथ थे इसीलिए मुझ में इतनी हिम्मत है। मैं कुछ भी मत बोलिए। सीनू तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए मैडम। पहले तो तुम मुझे मैडम कहना बंद कर दो। पहले लगता था मेरा कोई भी नहीं है, पर आपसे मिलने के बाद, सॉरी तुमसे मिलने के बाद वो बात भूल ही गया। तुम्हारे पीछे मैं हूँ कहने से ज्यादा मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि मेरे पीछे तुम हो माया। आई एम सो हैप्पी। माया कॉफी। ओह थैंक यू। क्यों सर, आप क्यों लाए? मैडम नहीं है क्या? ओह संडे है इसीलिए आपने मैडम को रेस्ट दिया है। हाँ, मुझे अकेला छोड़कर रेस्ट कर रही है। आई एम सॉरी सर। लेकिन मैं लक्ष्मी को सॉरी नहीं बोल पाया। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः महालक्ष्मी। ॐ भूर्भुवस्वः महालक्ष्मी तत्सवितुर्वरेण्यं महालक्ष्मी। अंदर मेरी फाइल रखी थी, देखिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। टेबल पर फाइल रखी थी, तुमने देखी है क्या? पहले प्रसाद तो लीजिए ना। नहीं खाऊंगा तो नहीं बताओगी? लीजिए ना। अच्छी मिठाई है, थोड़ी और दो। अरे अरे ये क्या, इसे प्रसाद कहते हैं जी? ठीक है, तुम्हारे लिए प्रसाद होगा, मेरे लिए मिठाई है। हर मामले में हम लोग मेड फॉर ईच अदर, इस मामले को छोड़कर। पहले फाइल ले आओ प्लीज। लीजिए सर जी आपकी फाइल। ये सब क्या है? ये एक साइको एनालिसिस केस की फाइल है, पता है कुछ तुम्हें? पता है, इसलिए मैंने इसकी पूजा की, ताकि इस केस को सक्सेस मिले और मेरे पति का नाम रोशन हो।
पूजा करने से फेम मिलेगा। ये बात सैटेलाइट का उपयोग करने वाले और पूजा करने वाले इसरो से पूछा। अरे बाप रे, इसीलिए लोग कहते हैं एजुकेटेड वाइफ मतलब डबल परेशान। इसीलिए हैंडल विद केयर कहते हैं। ठीक माय डियर। आंटी। क्या हुआ पवित्रा, कैसे आना हुआ? पुअर चाइल्ड को बुखार आया तो मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते है ना, इसीलिए दवाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रही हूँ आंटी। थैंक यू आंटी। सिर्फ थैंक यू ही नहीं, पप्पी भी देनी पड़ेगी। थैंक यू। बच्चों को देखकर तो खुश होना चाहिए। सुनिए जी, क्या मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती? ये क्या है महालक्ष्मी, हमारे बच्चे नहीं है तो क्या, जो पैदा हुए उन्हें ही पालेंगे? मतलब जिंदगी भर मुझे बच्चा नहीं होगा, इनडायरेक्टली यही कह रहे हो ना? मेरा ये मतलब नहीं है माही, अभी तुम्हारी हालत पहले से ठीक है, तुम जब चाहो आराम से माँ बन सकती हो। तुम ऐसा नहीं चाहिए, तब मैं माँ नहीं बनूंगी, कोई और बनेगी। देखो माही, माँ के प्यार को खुद एहसास करना है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उम्मीद के साथ जीना चाहिए पर इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। होप इज लाइक चीयर, पहले तुम उम्मीद को मत छोड़ना, तुम जरूर माँ बनोगी। सच में? प्रॉमिस। तब तक तुम ये गंगा जमुना मत बहाना। कॉन्ग्रेचुलेशन सरकार, आप पिता बनने वाले हैं। थैंक यू। I'm sorry सरकार, माँ को बचा पाए मगर बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं, मेरी बच्ची, सो जाओ, सो जाओ।
सोचो हाँ? सो गई सोचो कौन है यहाँ पर? मेरे बच्ची को मत छूना, मैं नहीं दूंगी, हम दोनों को अकेले छोड़ दो, नहीं दूंगी मैं मेरी बच्ची, वो मेरी बच्ची है, मेरे पास मत आना, नहीं दूंगी मैं। महालक्ष्मी जी, देखिए ना, मेरे बच्ची को कोई लेकर जा रहा था। महालक्ष्मी, नहीं दूंगी मैं। महालक्ष्मी, नहीं दूंगी मैं। क्या हुआ? आप मेरे साथ ही रहिए, मुझे डर लग रहा है। मैं अपनी बच्ची को नहीं दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मालिक। वहाँ कोई है? कौन? वहाँ कोई नहीं है। सो जाओ। कोई बात। सो जाओ मेरा बच्चा। डरना मत, अब डैडी आ गए हैं ना। कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा। मेरी प्यारी बच्ची, सो जाओ मेरी बच्ची। उसे किसी भूत ने पकड़ लिया या कोई पिशाच उसे रुला रहा है, इसलिए वो नरक का अनुभव कर रही है। बेटा, एक काम करते हैं, उसे किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाते हैं। देखिए बाबूजी, महालक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ है, बच्चे की वजह से वो शॉक में है, शॉक ट्रीटमेंट देंगे तो काफी है। आप परेशान मत होइए, जल्दी ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। नो, तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं बेटा, कम से कम हमारी तसल्ली के लिए एक ये भी कोशिश कर लेते तो अच्छा होता। ले जाइए और किसी तांत्रिक के हाथों उसकी हत्या करवा। वो बात नहीं है। देखिए बाबू, आपके लिए जितनी आपकी बेटी प्यारी है उतनी ही मेरे लिए मेरी बीवी। मुझे अपनी महालक्ष्मी को कैसे ठीक करना है पता है, दया करके आप इस मामले में मत पड़िए प्लीज। सुनिए जी, बताइए ना, मैं कभी माँ नहीं बन सकती क्या? माँ को बचा पाए मगर बच्चे को नहीं बचा पाए। उसे किसी भूत ने पकड़ लिया या कोई पिशाच उसे रुला रहा है, इसलिए वो नरक का अनुभव कर रही है। सुनिए जी, कोई मेरी बच्ची को ले जा रहा है, देखिए ना जी। महालक्ष्मी, मेरी बच्ची को, महालक्ष्मी, इस तरह मैंने अपनी जिद से अपनी बीवी को खो दिया। कितना? 20,000 का मैडम। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने तुम्हारा रेट पूछा, वैसे कहाँ से मार दिया? एड्रेस क्यों चाहिए मैडम, नया खरीदेंगे तो 35,000 का मिलेगा, ये चोरी का है इसलिए सस्ता मिल रहा है। मुझे पता है कि आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे, चुपचाप इसको ले लीजिए मैडम, अच्छा सौदा है ये।
10,000 कम कर। बहुत नाइंसाफी मैडम, ठीक है 10,000 दे दीजिए। जल्दी नया मॉडल लेकर आऊंगा। थैंक यू मैडम। 1, 2, 3, 4। हेलो। क्या भाई, मैटर क्या है? मैंने मैडम को नया मोबाइल दिया, इसीलिए अब पैसे लेके जा रहा हूँ। क्या? अच्छा, तो तू अब मुझे उल्लू बनाएगा क्या? निकाल बे रिंग। किस रिंग की बात कर रहे हो? ऐसा क्या, अब तो मुझे बताएगा। मैं क्या बोल रहा था भाई की? अबे निकाल, बोला ना। दे दो भाई, ये लो, ये लो। माया, मेरा रिंग नहीं दिखाई दे रहा है। चोरी हुआ तो कैसे मिलेगा? किसी और का सामान चोरी हुआ तो दुख नहीं हुआ क्या? चोरों को एनकरेज करने वाले भी चोर ही होते हैं। पढ़ाई क्यों किया तुम लोगों ने? चोरी? कितनी बार बोला, अकल नहीं आई तुझे? थैंक यू शीनू, गुड जॉब। शाबाश यार, शाबाश शाबाश। साइको एनालिस्ट के तौर पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा माया। अब तक मैं ये सब हेलुसिनेशन समझकर साइको न्यूरोसिस समझता था, आत्माएं नहीं होती थी समझता था, लेकिन ये सब देखने के बाद सच में मुझे विश्वास करना पड़ रहा है। जैसा षणमुख शास्त्री जी ने कहा, जिसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो आत्मा हमें दिखती है और मैसेज देती है, लेकिन जब तक उनसे हमें कोई संकेत नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते। सर, आत्माओं की परेशानी खत्म होगी तो वो मुझे नहीं दिखाई देंगी, तो मेरा माइंड प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा क्या? डोंट वरी माया, तुम्हारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए यही मेरी इच्छा है। मैं कोशिश करके तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ये है मेरे मामा जी। क्या यही है तेरा बॉडीगार्ड? मामा जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए, प्लीज। तेरी जायदाद के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेता हूँ। माया तुम जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। सर जाओ। ए मार डाल बे। हेलो माया। सर आप ठीक तो है ना? उन्होंने आपके साथ क्या किया ये सोच के मैं टेंशन में थी। बिल्कुल चिंता मत करो माया, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो माया, अब से तुम्हें संभल कर रहना होगा, मेरी जानकारी के बिना कहीं मत जाना। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो माया, लंदन का प्रोजेक्ट भेजने के लिए लास्ट डेट है, तुम भूल गई क्या? अरे सच में भूल गई थी, याद दिलाने के लिए थैंक्स सर। अर्जेंटली ऑफिस जाना है, अगर ये प्रोजेक्ट मैंने नहीं भेजा तो मेरा लंदन प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। कैरी ऑन। थैंक यू सर। आर यू श्योर? मन की बात आपको बतानी थी पर आप बताने दे तब ना। ओह, अपनी लाइफ में पहली बार लड़की पहचानने में मैंने गलती कर दी, तुम्हारी फाइल पर दस्तखत कर दूंगा, अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। लड़कियों के मन को आप अच्छे से परख लेते हो, इसीलिए आप मुझे पसंद हो। माया सर क्या हुआ? फ्रेश होकर आती हूँ। ओके ओके ओके, प्लीज कैरी ऑन। सिक्योरिटी सर, एक दारू की बोतल लेकर आ, बचे हुए पैसे रख लेना। ठीक है साहब। जा। वो या Thank you.
हेलो बुनिया दीदी, कैसी हो? कौन हो तुम? तुमसे मिलकर तुम्हारी जायदाद को शेयर करने वाली हूँ। तुम किससे बात कर रही हो पता है तुम्हें? पता है, मान्या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के चेयरपर्सन के साथ। तो आखिर हो क्या गया इसमें? कल से मैं मिसेस शुभा बनकर इस कंपनी में तुम्हारी जगह पर बैठूंगी। शट अप, तुम कहाँ हो ये बता दो, हम फैसला कर लेते हैं। मैं और कहाँ रहूंगी, मेरी कंपनी में मेरे शुभू के बगल में ही हूँ। वो कह रहे हैं कि मेरे बिना उनकी जिंदगी बेकार है, इसीलिए दोनों एसी रूम में एंजॉय कर रहे हैं। वो किस टाइप के हैं मुझे पता है, तुम कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगी। क्या तुझे पता भी है? कुछ पता नहीं है तुझे। अगर भरोसा नहीं है तो इस फोन से लाइव ऑडियो सुनाती हूँ तुम्हें। सर ये सब क्या है? यही सब मेरा ड्रीम है, आज मेरा ड्रीम पूरा हुआ। बाप रे, आपके अंदर बहुत आर्ट है सर। आर्ट ही नहीं, हार्ट भी है मेरे पास। और ना, बाद में तुमको मैं बताता हूँ। सर क्या हुआ? मैडम ये तो फोटो है, मैं निकाल देता हूँ। फोटो से तो उन्हें निकाल देंगे, पर अगर वो यहाँ सच में आ गई तो? उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा, फिर चार इमोशनल डायलॉग मार के उसे मना लूंगा। वो बेचारी मान जाएगी, घर जाकर कहूंगा कि तू ही मेरी सब कुछ है, वो पिघल जाएगी, पगली है। इतना ही नहीं, मैं ये करता हूँ ये सोचने के लिए उसके पास दिमाग नहीं है, इसीलिए मेरा खेल चलते रहता है। वो बात नहीं है सर, कल को अगर मैडम को पता चल गया तो? वो सब तुम भूल जाओ, उसकी चिंता मत करो। आज की रात तुम आराम से लंदन जाने का प्लान कर लो, मेरी बीवी को छोड़ो, अपने मैटर पर आओ। इस फोन का आविष्कार किसने किया, बीवी से भी ज्यादा परेशान करता है। हेलो बुआना, मुझे ये बताओ इस वक्त कहाँ पर हो तुम? चुप, कंपनी के चेयरमैन क्या बन गए, लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ा रहे हो? इडियट, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या? अपने पापा को बताकर अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ। इज्जत से तुम यहाँ आओगे या मैं वहाँ पर आऊँ? अरे तुम क्यों तकलीफ करोगी, मैं ही आ जाता हूँ। साइन करने के लिए मुझे रुला रहा था, मुझसे पंगा लेगा तो यही हाल होगा। अरे उस समय एमडी का चेहरा देखने लायक था, जब हमारी मैडम उनको डांट रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उसका चेहरा देखकर बस अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रही थी। और नहीं तो क्या, उसने मुझसे पंगा लिया था। बोल रहा था मेरे प्रोजेक्ट फाइल पर साइन नहीं करेगा। उसे सबक सिखा दिया मैंने। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। है
एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन चाहिए मैडम? ये किसकी कार है? अरविंद सर का है। वो कौन है? नहीं मैडम, गुजर के 6 महीने हो गए। तो फिर इस घर में? इस घर में कोई नहीं रहता मैडम, घर बेचकर वो लोग वाइजैग में सेटल हो गए हैं। वाइजैग में कहाँ रहते हैं? पता नहीं मैडम। क्यों, कार खरीदना है क्या? नहीं जी, हमारे पहचान के हैं, उनसे मिलने आई थी। ठीक है मैडम। कंप्यूटर में दिखने वाला नंबर इसी कार का है? यही है सर, कंफर्म यही है। मतलब तुम्हें जो दिखाई दिया वो अरुण की आत्मा है। उसकी प्रॉब्लम के लिए हमें उसकी फैमिली को कांटेक्ट करना होगा, यहाँ कोई क्लू नहीं मिलेगा। तो फिर अब कैसे, क्या करेंगे? किसी न किसी तरह अरुण की फैमिली को ढूंढना होगा। लेट्स गो। क्या हुआ माया? सर एक बार अंदर चलते हैं सर, प्लीज सर। चलो। क्या सर, हुआ? सर, इस फोटो में जो आदमी है मैं उसे जानती हूँ सर।
वैसे वो कौन है? कुमार मंगल। उस घर में तुम्हें कुमार मंगलम की फोटो दिखाई दी, इसका मतलब अरुण और उस आदमी का कोई संबंध है। अरुण की मौत का मंगल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कारण हो सकता है। यस। ऑर्डर मैडम। टू सॉफ्ट ड्रिंक। यू आर राइट माया, मंगल की कहानी का पता चलेगा तो अरुण की आत्मा का सस्पेंस भी पता चल जाएगा। अगर ये जानना है तो मुझे मॉडल बनकर उसके स्टूडियो में एंटर करना होगा। ओके, बट बी केयरफुल। लेट्स गो। जीजू। यो, इतना उछल रहा है, क्या हासिल कर लिया? बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हाँ? हम जो एड फिल्म बना रहे हैं उसके लिए हीरोइन सेलेक्ट कर लिया है। क्या कह रहे हो? एक मिनट जीजू, लड़की कमाल है, देखो। कैट वॉक करते हुए अंदर आ जाओ। देखने के लिए दो आंखें छोटी पड़ जाएंगी। हमारी इलियाना की रिश्तेदार है, जरा इसकी कमर तो देखो कैसी है। जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ बोलो जीजू, आपका टेस्ट गंदा है। ये भैंस तुम्हें कहाँ मिली? ये एड फिल्म के लिए नहीं, एड फिल्म में भी काम नहीं आएगी। ए, उल्टा सीधा बात करेगा तो मार दूंगी। मैं कौन हूँ पता है? मेरा नाम है गजगामिनी। क्यों रे इस तरफ मुड़? एड फिल्म बोला था, मॉडल बनाऊंगा बोला था, मेरे साथ खेल खेल रहा है क्या? मुझे हीरोइन नहीं बनाया तो तुम लोगों का गर्दन मेरे हाथ में रहेगा, समझे क्या? इतना मुश्किल भी नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आएगा। तुम यहाँ हो तो हीरोइन ही हो। भूख लग रही थी ना, चलो बाहर जाकर खाते हैं, आओ। छी, इसका टेस्ट कितना गंदा है। छी, आइए सर बैठिए, वेलकम। जीजू, ये हमारे साथ बिजनेस डील करने आए हैं, इनका नाम है श्रीवास्तव, NRI। कोई भी RI हो। नमस्ते सर। नाइस मीटिंग यू। बैठिए। आप चिल्लर से लेकर डॉलर तक के बड़े बिजनेस मैग्नेट हो, स्ट्रीट पॉलिटिक्स से लेकर सेंट्रल पॉलिटिक्स तक के पॉलिटिक्स मैग्नेट हो। सही कहा ना? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। बाद में क्या बनने वाला किसी को नहीं पता। पेड़ लगाने के लिए बीज चाहिए होता है और व्यापार करने के लिए चाहिए होता है भरोसा। आप पर पूरा भरोसा था, इसीलिए तो यहाँ तक आया हूँ। पैसा के लिए इतना दूर आ जाओगे? ये मेरी खुशनसीबी है सर, ये इनकी बदनसीबी। अगर आप फिशिंग एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो तो एक MOU साइन कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, आप समुद्र के चीजों पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? वहाँ कब्जा नहीं होता है ना। मेरे जीजू समुद्र में सुनामी है, ये इनको पता ही नहीं। आपको बता दूं, मेरा व्यापार लोकल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक से फोन आता है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब देख लूंगा। इनका बिल चढ़ जाएगा। इसके लायक तो आप ही हो। वैसे मेरा कोई भी बिजनेस हो वो रॉकेट की तरह ऊपर ही जाता है, ये मेरी पॉलिसी है। सर, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक हवाई जहाज की वजह से नीचे गिर रहा है ऐसा लग रहा है। क्या कहा आपने? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऊपर उठ रहा है ऐसा कहा मैंने। ये हमेशा ही करेक्ट ही बोलता है। ये तो मुझे पहले से ही पता है, बताया था ना। इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। दस्तखत करते हैं ना सर? श्योर। ये लीजिए ये कलम, बाल्टी में उतार दिया ना। यहाँ पर आज से काम स्टार्ट हो जाएगा सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके बाय बाय। भाई इसके दो सेट बना दो। एक समझ में आ गया। एक डॉक्यूमेंट में फायदा दिखाओगे तो दूसरे में नुकसान दिखाओगे। हाँ ठीक। बैंक में रखना अरुण की समाधि पर मिट्टी डालना एक जैसा ही है ना? अरे बाप रे। इस वक्त ये यहाँ क्यों आया है? मंगलम, व्हाट इज दिस? हमारा बैंक तो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, दिवाला हो गया, ऐसी न्यूज क्यों आ रही है? भाई ये लो, ये देखो। बात बदलना हमारी मर्जी है पर डॉक्यूमेंट्स बदलना बहुत मुश्किल है गोविंदा। ए! बैंक में जो पैसे हो हमारे नहीं है। किसी भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए रखे, किसी माँ ने अपनी बेटी के भविष्य के लिए रखे, किसी पिता ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे। ये सिर्फ पैसा नहीं, उनके सपने। अच्छा, तुम्हें इतना कुछ नजर आता है क्या गोविंदा?
तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? बिजनेस में चाहिए कैश ना कि ट्रैश। केस डालूंगा एक गरीब की मेहनत की कमाई को घाटे में दिखाकर, उन सबको बेवकूफ बनाकर सब हड़प के रख लिए। तुम लोगों ने जो ये काला बाजारी की है मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। अरे रे 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 भाई, आत्महत्या करने वाला अरुण प्रेस में कैसे कुछ छापेगा? क्यों भाई? ए, जब ये इतना बड़ा बड़ा डायलॉग बोल रहा है तुम देख क्या रहे हो? इसे मार डालो। जीजू क्या हो गया? क्या देख रहा है? फांसी लगाए हुए अरुण को या फांसी लगाने वाले गिरी को? मेरी जायदाद तुमने हड़प ली, अभी भी सटायर मार रहे हो। सॉरी 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 सॉरी, तुम इसे ले जाकर कहीं अच्छी जगह पर छिपा दो। सबूत को साथ में लेकर नहीं घूमना चाहिए। मैं फाड़ देता हूँ। नहीं, 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 नहीं। ये मेरी जिंदगी की बहुत ही कीमती चीज है, याद के तौर पे तुम इसे छिपा दो। सबूत को फाड़ने की बात की तो नहीं 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 बोला, मुझे पता है ये उसकी जिंदगी के लिए खतरा है। ये देखो भूतों की तरह हंसता रहता बेबचा। निर्मला क्या टेस्ट है इस बुड्ढे को सबका? आपकी शादी क्यों नहीं हुई थी जीजू? ये क्या है बड़े भाई, मॉडल की फोटो देख रहा है? नहीं भैया, जीजा जी बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो मुझसे नाइट के लिए सेटिंग करवा रहे हैं। उम्र बढ़ने के बाद भी इसमें करंट का सप्लाई अब तक नहीं रुका। हाँ भैया। ए, इसे एक शॉक दे, सारे फ्यूज अपने आप ही उड़ जाएंगे। ठीक है भैया, मैं यही करता हूं। क्या हो रहा है भाई? जीजू सेक्स? नहीं नहीं नहीं, सक्सेस। क्या हासिल किया? कहीं डिजिटल कैमरा रील के बिना चलता ये पता तो नहीं चल गया? जीजू आप हमेशा मजाक करते रहते हैं। देखो आपको लगता है मैं मॉडल सेलेक्ट नहीं कर सकता ना? हाँ। तुम्हारे इच्छा की लड़की जो तुम्हें पसंद आई थी उसे मॉडल सेलेक्ट किया मैं। अच्छा, हाँ। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ क्यों देख रहे हो? वहाँ देखो। हेलो, मैं आदमी से करवाओगे क्या? तेरे दिमाग है कि नहीं भाई? बिना सोचे समझे डांटो मत। मैटर सुनो, इस लड़के को पहचानते हो क्या? माया के साथ देखा था। इस माया वाले को माया में डालकर वो माया एक्ट करेगी, ये कमिटमेंट ले लिया है। वाह गोविंदा, इतने सालों के बाद इतना अच्छा काम कर दिया। थोड़ा बाजू हटो, जगह काफी है, आप आओ। माया तुम एक्टिंग करोगी ना? उस दिन आपके बारे में जानती नहीं थी इसीलिए बुरा भला बोल गई। उसके बाद आप कितने अच्छे हैं ये पता लगा लिया मैंने। कुमार मंगलम सर, आई एम सॉरी। माया तुम मेरे साथ काम करोगी ना? हाँ जरूर, आपके साथ काम करना मेरी खुशकिस्मती है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। माया, माया, सर, माया, सर, I like you माया, अरे माया, सर, मैं हूँ। ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सर, please सर, सर, छोड़ो। Sorry सिनू, इमोशन में बह के ऐसा हो गया। माया को हमारे एड में काम करने के लिए तुम्हें मनाना होगा, ठीक है ना? इसमें क्या है सर, पैसे माया अब पैसे की माया में आ गई है। हाँ देखो, तुम्हारी माया को पैसे चाहिए और हमारे जीजा को चाहिए काम। टेक इट। हाँ, फोटो लेने के लिए रेडी रही है सर। ओके माया। भैया 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 भैया, जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई देने के लिए वो कोई छोटी पर्सनालिटी है क्या? रिटायर हुआ सुमो फाइटर की तरह है, जाकर देखो वो कहीं कुछ कर रहा होगा। भैया मैंने पूरा घर छान लिया, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भैया जीजा। अरे भगवान, जीजू क्या हुआ भाई? गड़बड़ हो गई। छोटे जीजा बड़े जीजा ने शादी कर ली। भैया दूल्हा होके मगर दुल्हन कहाँ है? इतनी अर्जेंसी में शादी करने की क्या जरूरत थी? हमारे जाने का समय आता तो ऐसे ही सिग्नल मिलते हैं। कम ऑन। क्यों सर जी, मिलने के लिए आए हो क्या? सॉरी सर, मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं। आप लोग किसके घर में आ गए हैं? आपको पता है ये मेरे जीजा हैं, कुमार मंगल, इनको आप नहीं जानते क्या? तुम चुप रहो, अरेस्ट करके तो देखिए। दिल्ली से लेकर गली तक हमारे जीजा जी की कैपेसिटी पता है? आप यहाँ आए हैं सिर्फ इतना पता चलेगा तो न्यूज पे न्यूज आने लगेगा, पता है आपको? वो सब आप ही देखो। ए, टीवी ऑन करो। हमारे बैंक के चेयरमैन की आत्महत्या के बाद कुछ सच्चाइयाँ बाहर आई हैं। 50 करोड़ के प्रॉफिट में चलने वाले बैंक के दिवाला होने के बोर्ड में जानकारी की वजह से पूरी खलबली मच गई। प्रधान कुमार मंगल के पास से असली डॉक्यूमेंट्स कल रात को बरामद हुए हैं। इससे कुमार मंगल की सारी काली करतूत साबित करने के कागजात टीवी 5 को माया जी ने दिए।
जीजू आपका पोल खुल गया। इतना ही नहीं, कुमार मंगल आनंद चिट फंड में 50 करोड़, भरोसा फाइनेंस कंपनी में 1 करोड़, ये सब धोखाधड़ी की कमाई है, ऐसा ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुलिस कुमार मंगल को पूछताछ के लिए लेकर जा रही है। ये क्या कर दिया माया ने? माया कांस्टेबल्स, इन्हें भी अरेस्ट करो। मैंने माया कहा तो अरेस्ट कर लोगे क्या? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि डॉक्यूमेंट फाड़ देता हूँ, आपने कहा मत फाड़ो मत फाड़ो। अब क्या हुआ, गड़बड़ हो गई क्या? चलिए चलो अभी चलते हैं, चल आप आगे चलिए। ए कांस्टेबल, इनकी तरह हमारे हाथ में भी हथकड़ी लगाओ। चल माया, पिंकी की इच्छा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, पिंकी छोटी बच्ची है ना, पता नहीं उसकी क्या इच्छा है जो पूरी नहीं हुई। क्यों, छोटे बच्चों की इच्छाएं नहीं होती? मतलब साइकिल दिलाना, आइसक्रीम दिलाना, ऐसा इस तरह की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी ना कर सके इतने भी गरीब नहीं है पिंकी के मॉम डैड। पिंकी की आत्मा की अगर कोई इच्छा नहीं होती तो वो तुम्हें क्यों दिखाई देती? तो फिर पिंकी की भी क्या कोई प्रॉब्लम होगी सर? जरूर होगा ही, बस उससे संबंधित मैसेज हमें मिल जाए। वाओ बॉस, क्या तुम्हें पता है तुम बहुत सेक्सी हो। बस वाओ कविता, मुझे बस एक पप्पी दोगी क्या? प्लीज प्लीज कविता, चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर चले जाओ ना, जाओ ना प्लीज चले जाओ ना। ए लड़की, जब साड़ी पहन रही हो तो अंदर आकर शूट करते हैं क्या? चलो जाओ, मैंने कहा जाओ। शूट तो छोड़ सकता हूँ पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे अच्छा हुआ फोन आ गया। हेलो हाँ, मैं आता हूँ अभी। कविता मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, फैक्ट्री का कोई वर्कर मशीन में आकर मर गया है, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। डिनर के लिए रेडी रहना, ठीक है ना? सॉरी जान, सॉरी बाय। डर गई थी क्या? तुम हो क्या? आने के लिए मना किया था ना, प्लीज चले जाओ। ऐसा नहीं, तुमसे प्यार करने के बाद। अभी नहीं किरण, प्रकाश बाहर गए हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे वो। उसे तो अभी टाइम लगेगा, लेट्स एंजॉय। चलो क्या कर रहे हो? रुको ना। मम्मी, 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 छोड़ो ना प्लीज मम्मी। मम्मी मम्मी, कौन है ये अंकल? हाय बेटा। हे स्वीटी। डैडी। इसके पैर पकड़ो।
अरे वाह, आप तो बहुत ज्यादा काबिल हो, डांस अच्छा करती हो। ये सब तुम्हारा ही दिया हुआ आइडिया है ना? आइडिया एक जिंदगी बदल सकती है, ये सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन लड़की की मुस्कुराहट हर लड़के की जिंदगी हसीन बना देती है। गुड जॉब माया, बाय माया। यस। प्रकाश तो हफ्ते भर नहीं आने वाले हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? हफ्ते की बातें छोड़ो। तुम लोग अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। अरे इम्पोर्टेड माल है मैडम, 15,000 का दूंगा। 8,000 दूंगी। क्या बात कर रही है मैडम, बहुत महंगा है ये, 12,000 तो दे दीजिए। 9,000 ही दूंगी। आप इतनी जिद मत करिए मैडम, अच्छी चीज हाथ से निकल जाएगी। लास्ट बोली 9,550 रुपए। इतने में तो आपको लोकल भी नहीं मिलेगा, 10 तो दे दीजिए। ये तो नहीं हो पाएगा, नहीं दूंगी। 450 के तो फर्क है ना मैडम। अंजलि ये क्या है, ये घर है, शोर क्यों कर रही हो? ए तू फिर से आ गया यहाँ? वो नहीं मैडम, इन्होंने फोन करके मुझे बुलाया है। इज्जत से तू बाहर निकलेगा या सीनू को बुलाओ? मैं खुद ही चला जाता हूँ। क्या है ये, चोरी के सामान खरीदती हो? छी, अक्ल नहीं है तुम्हें। पनौती कहीं की, अच्छा खासा बिक जाता, बीच में आके पूरा काम खराब कर दिया। बाहर इसे बेचूंगा तो कोई भी आराम से ले लेगा, चोर को चोरी का माल बेचना आता है। ए, ये क्या है? कैमरा है मैडम, 10,000 का दे रहा था लेकिन नहीं लिया। ठीक है मुझे दे दो, मैं ले लूंगी। हाँ ले लीजिए। तुमने अपने शरीर की भूख के लिए मेरी फूल सी बच्ची की जान ले ली। Ha ha ha!
क्या वो चिल्लाई? नहीं चिल्लाई। आज अब तक चिल्लाई क्यों नहीं? मुझे क्या पता। कहीं वो भूत तो नहीं बन गई? क्यों डर गई क्या? पर आज के बाद मैं नहीं डरने वाली। मेरा सारा डर निकल गया है। Now I'm perfectly all right. अब से मैं भी सबकी तरह आराम से सो जाऊंगी। अब से मेरे लिए सारे दिन अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग माया। सर आपके लिए गुड न्यूज है। क्या है? मेरा लंदन प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया है सर। मैं लंदन जा रही हूँ। ओह कंग्रेट्स, ऑल द बेस्ट। आप आत्मा है क्या? यू आर राइट माया। माया, किसी प्रॉब्लम के बिना मैं तुम्हें लंदन भिजवाऊंगा, मैंने वादा किया था। ए, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? पागल कहीं की, मैं मर गया इसलिए दुखी हो? मृत्यु माँ की तरह होती है। जब भी हम बच्चे माँ से दूर भागते हैं तो माँ हमारे पीछे आती है। हम अगर थक कर रुक जाते हैं तो माँ अपने सीने से लगा लेती है। मृत्यु भी ऐसी ही है। सब कुछ भूल कर जिंदगी खुशी से जियो। बाय बाय।